जशपुर जिले के सुप्रसिद्ध मायाली नेचर कैंप में कुनकुरी विधायक और संसदीय सचिव यूडी मिंज छत्तीसगढ़ के मायाली को हिमाचल प्रदेश के मनाली जैसा स्थापित करने के लिए सदैव प्रयासरत है। उन्होंने इसके लिए मायाली पर्यटन स्थल में खूबसूरत पार्क बनाने, एडवेंचर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बलून, बोटिंग जैसे बच्चों के मनोरंजन के लिए दिन प्रतिदिन कार्य किए जा रहे हैं। वहीं जशपुर जिले में इस पिकनिक स्पॉट मायाली को छत्तीसगढ़ के बेस्ट पर्यटन स्थल बनाने विधायक यूडी मिंज अथक प्रयास कर रही हैं। यहां कई तरह की एडवेंचर स्पोर्ट्स और जशपुर के टूरिज्म को एडवेंचर टूरिज्म से जोड़कर पर्यटन के मानचित्र में स्थापित करने की सोच रखते हुए व्यापक रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं। आपको बता दें कि मीडिया की टीम इस मायाली नेचर कैंप पर्यटन स्थल में पहुंचने पर सैलानियों से मिली, जिसमें बगीचा, केरसई, चराईदांड, जशपुर, पत्थलगांव और अंबिकापुर जिले जैसे दूर दराज से सैलानी पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं और विधायक यूडी मिंज की खूब सराहना कर रहे हैं। विधायक संसदीय सचिव यूडी मिंज ने चर्चा के दौरान कहा कि यह तो प्रमोशनल है, लोग देखें कि यहाँ क्या क्या हो सकता है। हम जिस जशपुर की बात करते हैं, उस जशपुर को ग्लोबल पहचान दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम जशपुर जिले का नाम जमीन से आसमान तक लेकर जाने का काम कर रहे हैं। हम सिर्फ बात नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। हाँ बताइए, कहाँ से आए हैं आप लोग, कैसा लगा यहाँ का पार्क? हम लोग चरेदार से हैं और ये मायाली पार्क अच्छी जगह है और बहुत सारे लोग भी आते हैं यहाँ पे पिकनिक वगैरह के लिए, घूमने के लिए बहुत दूर दूर से। बाकी हम लोग को अच्छा लगा, अच्छी जगह है। क्या क्या देखने को मिला यहाँ पे? यहाँ पे वोटिंग करने के लिए है और यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है और अभी तो यहाँ पे खाने के लिए भी मिल रहा है। एक और चीज़, अगर हम अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा पीसफुल अगर टाइम स्पेंड करना चाहे तो उसके लिए भी अच्छी है। बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग कैसे ऐसे हैं। कैसे आए थे यहाँ? ऐसे ही पिकनिक मनाने के लिए आए थे और सब पूरा कैसे के मितानी सब हैं। अच्छा जी, और विधायक जी से भी मिले, बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताएंगे कैसा लगा यहाँ आए थे घूमने? हाँ अच्छा लगा है। क्या क्या देखने मिला यहाँ पे? वोटिंग किए, बैठने के लिए भी अच्छा सुविधा है। बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग यहाँ? जी मैं बगीचा से आया हूँ। आज हम लोग संडे था तो घूमने के लिए यहाँ मनाली मायाली बोलते हैं आए थे फैमिली के साथ। अच्छा लगा, बढ़िया व्यवस्था है, बोटिंग वगैरह की अच्छी व्यवस्था है। थोड़ा सा बैठने उठने की व्यवस्था और बढ़िया बन जाएगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है सनाल जो घूमने वाले लोग पर्यटक लोग और आएंगे और थोड़ा सुविधा बनाया सरकार को, उसको और बेहतर करना चाहिए। बाकी बढ़िया है, ये बगीचा से पास में पड़ता है, लगभग 40-45 किलोमीटर है। छुट्टी के दिन परिवार के साथ यहाँ आया जा सकता है, समय बिताया जा सकता है। बैठने उठने की व्यवस्था है, थोड़ा और व्यवस्था बढ़िया बन जाए तो मुझे लगता है कि और लोगों को लुभाया जा सकता है और इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।